was built to last. With the webs I'm weaving, I could change the past. With all I'm achieving, now my foot on the gas. Never stop competing if you break my glass. हेलो फ्रेंड्स, मैंने कॉटन का एक कपड़ा लिया हुआ है 2 मीटर। पहले मैं इसको फोल्ड कर लूँगी सिर्फ 2 पार्ट्स में, और फोल्ड करने के बाद पहले मैं ऊपर से कपड़ा निकाल लूँगी। 18 इंच का कपड़ा निकालना है मुझे, उसमें से 13 इंच की कोटी बनेगी, बाकी कपड़ा डिज़ाइन में यूज़ होगा। ये मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद जो नीचे का कपड़ा बचा हुआ है, ये आप अपने अकॉर्डिंग की लंबाई ले सकते हैं। मैंने शॉर्ट ड्रेस के लिए लिया हुआ है, पहले हम इसको कट कर लेंगे। इसको मैं पूरा 2 भाग में मैंने कट कर लिया है, ये देखिए। अब ये कट करने के बाद मैं पहले ये 13 इंच पे मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद पहले हम इसी के साथ का अस्तर भी कट कर लेंगे। मैंने अस्तर कट कर लिया है, और अस्तर पे हम उल्टी साइड रख के पहले वी गला काट लेंगे। वी गला काटने के बाद अस्तर और कपड़ा रखेंगे सीधे पे उल्टा, और हम ऐसे पूरे पे मुड्ढे से लेके पूरे गले पे हम ऐसी सिलाई लगा लेंगे। मुड्ढे पे भी और गले पे भी हम ऐसे पूरे पे सिलाई लगाते जाएंगे, और इसको हम पूरा नीचे से लेके वी शेप पे बड़े आराम से, जैसे कट किया है उसी के पास से हम पूरा ऐसे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम अब इसको सीधा करेंगे, ये देखिए मैंने सीधा कर लिया है। अब हम फिर इस पे पूरे पे मशीन लगा लेंगे। ये दोनों साइड मैंने कर लिया है अस्तर भी। अब हम जो है नीचे के जो हैं 2 पार्ट, ये जो मैंने कट किए थे, इसको हम लेंगे। पहले हम इस पर प्लेट डालेंगे। प्लेट देखिए मैं कैसे डालती हूँ। नीचे पहले हम सिल लेंगे एक साइड, नीचे से थोड़ा सा मोड़ के। अब हम प्लेटें डालेंगे, ये देखिए मैं कैसे प्लेटें डाल रही हूँ, बहुत ही आराम आराम से और सफाई से मैं प्लेटें डालनी है। बहुत ही इजी है प्लेटें डालना, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा कपड़ा लेके डालना है। ये देखिए मैंने पूरे में प्लेटें डाल ली है वन साइड। मैं दूसरी साइड भी ऐसे ही सेम करूँगी। और ये हम एक पीस उठाएंगे आगे का पल्ला, इस पर हम पैड डालेंगे। इधर मैंने सिलाई नहीं लगाई है, इसको हम पहले ही सेट कर लेंगे सेंटर पे। ये मैंने सेट कर लिया है, और पीछे हम हल्की सी सिलाई लगाएंगे। अभी मैं सुई से इसलिए कर देती हूँ ताकि खिसके ना। अब हम इस पर सीधे पे उल्टा रखेंगे ऊपर का पार्ट, और हम इस पर जॉइंट कर देंगे बड़ी आसानी से। ये देखिए मैंने पूरा एक कलर सिल लिया है। दोनों हिस्से पे हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारा ऐसे रेडी हो गया है। और ये जो ऊपर है इसकी हम डोरी बनाएंगे। डोरी बनाना तो बहुत ही आसान है, ये डोरी हम बनाएंगे। ये देखिए हमारी ड्रेस भी तैयार हो गई है। मैंने साइड में सिलाई भी लगा दी है फिटिंग की। अब ये पूरा रेडी हो गया है, नीचे से ऊपर तक केवल डोरी नहीं लगी है। अब हम ये डोरी लगाएंगे। हमें चारों हिस्से पे डोरी लगानी है, लटकन भी लगानी है बना के। ये देखिए मैंने ब्लैक और कपड़े की लटकन भी लगा ली है। ये पूरा हमारी ड्रेस तैयार हो गया। मैंने ब्लैक कलर की बेल्ट भी बनाई हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।